वेलकम बैक जी। मेरी आज बहुत प्यारी दोस्त मेरे साथ मौजूद है, नवाल सईद, और उनसे हम कर रहे हैं बातें। इतने सारे मैसेजेस जो मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक में देखा, एवरीवन वाज थैंकिंग मी कि आपने नवाल को बुलाया इंस्टाग्राम पे, क्या बात है, ऑल योर फैंस। चलो आज नवाल से जरा वो वाली बातें करते हैं जो आप लोगों ने कम सुनी है इनसे, यानी हाउ डिड शी स्टार्ट, कैसे यहाँ पर आई, और फिर इनके बचपन के रोजे कैसे गुजरते थे, इनकी बचपन की मेमोरीज क्या है रमजान से रिलेटेड। तो नवाल बताओ, रमजान में हम ये तो आजकल बात कर रहे होते हैं भाई आपकी डाइट क्या है, आजकल की इफ्तारी, लेकिन नवाल की बचपन की इफ्तारियाँ और सहरियाँ कैसी होती थी? हमारे जैसे हम तो न्यूक्लियर फैमिली हैं, हाँ। तो मामा पापा थोड़ा सा हल्का खाना ही पसंद, अच्छा। करते हैं। हमारी नानी के घर जो इफ्तार होती थी ना, वो तो प्रॉपर होती थी, अच्छा। वो इतना बड़ा दस्तरखान लगता था, और वो आज भी आई थिंक मैं इफ्तार वहीं करने जाऊंगी, अच्छा, तो मुझे पता है कि बड़ी अच्छी होने वाली है। तो नवल, नानी लोगों से ज्यादा क्लोज थी या दादी वालों से? दोनों से क्लोज थी। और वो डिविजन पेरेंट्स ने भी नहीं रखा, तो हाँ। हमारी भी क्लोजनेस थी। कुछ होता है ना, आपका दिल ज्यादा खिंचता चला जा रहा होता है कि नानी के घर बच्चे ज्यादा हैं तो वहाँ दिल लग रहा है, या नानी बहुत कडल करने वाली हैं, या दादी ऐसी हैं, तो ज्यादा कहाँ पे नवल का दिल चाहता था कि मुझे जाना है? बट आई वॉज द ओल्डेस्ट चाइल्ड इन माई फैमिली, तो मामा सबसे बड़ी बहन थी, तो सबसे बड़ी बहन की मैं सबसे पहली बेटी, तो मेरे इसका तो कोई था भी नहीं, अब सब भी मुझसे छोटे हैं। वो ऐसा डिविजन था कि भाई नानी के घर कुछ लोग हैं जो ज्यादा स्पेशल हैं, दादी के घर ये लोग हैं जो ज्यादा स्पेशल हैं, तो दोनों से क्लोज हैं। लेकिन नवल सबकी लाडली होगी ना, क्योंकि पहली बच्ची है। लाडली भी थी लेकिन स्ट्रिक्टनेस शुरू से थी, ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत फ्री हैंड दिया हुआ था। तो बचपन में नवाल का बचपन वो वाला था जिसमें बहुत सख्तियाँ थी कि भाई ये करना है ये नहीं करना, या एक मॉडरेट सा था? मुझे लगता है जिन मुझे सही गलत का बता के, अच्छा। मेरे अब्बा ने कहा कि अब जो तुम करना चाहती हो करो, अच्छा। तो मुझे अभी भी खुद भी पता है कि अगर वो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती या ज्यादा ही वाज कीपिंग एन आई ऑन मी, तो मुझे लगता है मैं तब थोड़ा सा रिबेलियस हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। नहीं, इट वाज मॉडरेट, इट वाज सही गलत भी पता था, वो वाली स्ट्रिक्टनेस भी थी और एक फ्री हैंड भी था। यस, तो क्या नवल पहली लड़की थी जो मीडिया में जा रही है खानदान से, या कोई और था पहले? जी जी, मैं मेरे फैमिली में मेरे अलावा कोई नहीं है मीडिया में। अच्छा। मेरे फादर म्यूजिक जरूर करते थे, लेकिन उनको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, सो आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टेप इन। तो मुझे कुछ दिन पहले यही कह रहे थे कि सारी मेहनत मैंने कर ली कन्विंस करने की, कर तुम पा रही हो। सो वर योर पेरेंट्स सपोर्टिव इन दिस? या वेरी मच, फुली सपोर्टिव, वेरी मच। और तुम कराची में ही पैदा हुई हो, कराची में ही अभी भी रह रही हो, ऐसा ही है? ये बहुत लोगों को लगता है कि मैं इस्लामाबाद से हूं, मैं लाहौर से हूं, मुझे हर इंसान ये कहता है, हमारा गोरी रंगत, और उसकी वजह से लोगों को लगता होगा कि ये नॉर्दर्न एरिया से आई है। पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन सबको लगता है कि मैं लाहौर इस्लामाबाद से हूं, लेकिन आई हैव बीन बोर्न एंड रेज्ड इन कराची में। अच्छा, कराची वाली नवाल। नवाल इस वक्त जिंदगी में किस, वो एक होता है ना, हमारे हर जिंदगी का एक दौर अलग होता है, एक फेज होता है। नवाल इस वक्त जिंदगी के किस फेज में है? नवाल को लगता है कि मैं जो चाह रही हूँ मैंने अचीव कर लिया है, या नवाल को लग रहा है अभी तो बहुत अचीव करना है? अब आपने बिजनेस भी अपना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा, नवाल का एक क्लोदिंग ब्रांड है, तो वो कैसे दिमाग में आया, तो किस तरह मैनेज कर रही हो एक्टिंग को भी और क्लोदिंग ब्रांड को भी? पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस फेज में नवाल को लगता है वो है। मैं फॉर मी आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्टॉपिंग। अच्छा, तो मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर रही हूँ, जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ, और मैं अभी ये बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि जितना कर लिया था कर लिया, और बहुत ज्यादा हो गया। आई वॉन्ट टू डू वॉट ऑल आई एम डूइंग, एंड जितना मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ खुद से मैं कर रही हूँ। और क्लोदिंग ब्रांड वो कैसे, मुझे रैंडमली कोई 1.5 साल पहले ये आइडिया आया था कि आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, बिकॉज समवेयर आई थॉट, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे लगता था कि मेरा स्टाइल सेंस है, ड्रेस सेंस अच्छा है, ठीक है, आई कैन डिजाइन समथिंग दैट इज नॉट यूजुअल, या कुछ डिफरेंट हो सकता है, और डिसेंट वो लेस बाय ग्रेस नाम है ना, लेस फॉर ग्रेस, लेस फॉर ग्रेस, ठीक है। सो आई स्टार्टेड इट ऑफ, और आई एम वेरी प्राउड कि मैंने सब कुछ खुद किया रहा पे, फ्रॉम द प्रिंट्स टू द डिजाइन टू द टेलर्स टू एवरीथिंग, फ्रॉम द लोगो, फ्रॉम दिस पेज, फॉर द बैग्स एंड एवरीथिंग, आई डिड इट, यू डिड इट योरसेल्फ, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, और अच्छा भी चल रहा है, पीपल आर लाइकिंग इट, जबरदस्त। नहीं, मैंने पहना है खुद, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा। अच्छा, तो बता रहे हैं कि इस वक्त तस्वीर जो चल रही है जब नवल ने मेरे सैलून का शूट किया था, ब्राइडल शूट, तो ये जो होता है नवल, मुझे आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क, यू नो, तुम दोस्त से पूछ सकती हूँ
किसी जब आपकी शादी ना हुई हो और आपको किसी का ब्राइडल शूट करना पड़े तो वो उस वक्त क्या एहसासात होते हैं? हाउ डू यू फील लाइक बिकमिंग अ ब्राइड फॉर यू नो अ शूट? और क्या फिर उस वक्त लड़कियां सोचती हैं कि मैं अपनी शादी पे ऐसी लगना चाहती हूँ या वैसी लगना चाहती हूँ? जब भी मैंने किसी का ब्राइडल शूट किया है मुझे ये मैं ऑब्जर्व ज़रूर करती हूँ कि यार अपने किसी फंक्शन में इनसे ये लुक और ये हर किसी के कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं तो ये मैं ज़रूर. और शुरू में बहुत फील होता था कि यार ये ड्रामे के सेट पे होता था कि यार ये शादी हो गई दुल्हन निकाह पढ़ना पड़ रहा है कि हम दुल्हन बने. लेकिन अब तो जाके प्रैक्टिस इतनी हो गई शादी हो गई. हाँ भाई क्या है शादी का सीन है ठीक है मैं दुल्हन बन के आती हूँ. महसूस भी नहीं होता कि अच्छा? भाई कोई फेक शादी हो रही है या कुछ. इट्स जस्ट लाइक वर्क. हाँ, तो मतलब इतना पहले होता था शुरू पहले में. तो होता था. It was awkward for me. जैसे I was new, so facing the camera was also awkward for me. अच्छा. इसी तरीके से ये भी मुझे लगता था कि भाई क्या हो रहा है. अच्छा, क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या था when you started acting? क्या लोगों के मिजाज या अच्छा काम मिलना या स्क्रिप्ट्स अच्छी कि भाई ये चूज करूँ ये ना करूँ? सबसे बड़ा चैलेंज तुम्हें प्रोफेशनली क्या फील हुआ ड्रामास करते हुए? राबिया मुझे लगता है कि आई केम फ्रॉम नोवेयर एंड All I knew was to be a good human being. ये मेरे अब्बा ने मुझे बोला था कि तुम्हारा अच्छा बुरा काम बाद में आएगा, पहले तुम्हारा इखलाक आए. याद रहता है. सिर्फ ये इस thought के साथ मैंने wonderful बहुत अच्छी चीज सिखाई है. Thank you. It's all his teachings and he's preached this throughout. And और मुझे कुछ नो हाउ नहीं थी कि भाई व्हाट इज अ गुड स्क्रिप्ट, व्हाट डू यू हैव टू डू, वेयर डू यू हैव टू लुक एट द कैमरा. अच्छा. मुझे बस ये पता था कि आई हैव टू एग्जिस्ट हियर. और बड़ा टफ भी टाइम देखा एंड आई सॉ पीपल मिसबिहेविंग एंड व्हाट नॉट. अच्छा, ओके. बट वो जो थॉट प्रोसेस था ना वो हमेशा से ये था कि नो यू डोंट हैव टू बी दैट पर्सन. लेकिन आपके इर्द गिर्द क्योंकि बड़ा एक आम सा तासुर है कि जो एक्ट्रेसेस होती हैं या एक्टर्स होते हैं वो बहुत जो है ना एरोगेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ रूड होते हैं. सो डिड यू फाइंड पीपल लाइक दिस? और फिर तुमने कैसे बची खुद से कि भाई मुझे इनके साथ नहीं रहना? ऑफ कोर्स आई डिड फाइंड पीपल लाइक दैट एंड आई फेस्ड हॉरिबल एक्सपीरियंसेस. लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता था कि मुझे ये नहीं करना. मुझे ये बनना भी नहीं है इन्फ्लुएंस में आके. ये होता है, ये नहीं बनना. तो मुझे पता था. तो किसी को देखकर आप उस जैसे हो जाएं या सीख जाएं कि यार ये मुझे नहीं करना है. सो इट वाज मेरे लिए तो ये हमेशा मुझे हंसी आती थी और मैं आई वुड फील बैड फॉर सच. क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा, कि नहीं तरस आ रहा है मुझे आप पे, आप क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा. तो आई नेवर थॉट कि मैं ऐसा करूंगी कभी. कोई एक ऐसा को एक्टर या कोई ऐसी लड़की या कोई डायरेक्टर जिसने बहुत सपोर्ट किया नवाल को टू ग्रो अप, या उसने शायद काम के हिसाब से नहीं लेकिन ऐसे सिखाया हो कि नवाल इस तरह करो और वो एक टीचिंग या कोई सीखी हुई बात याद रह गई हो, कोई है ऐसा? हू वाज योर सपोर्ट सिस्टम? विद द बैड एक्सपीरियंसेस आल्सो आई हैव हैड रियली गुड एक्सपीरियंसेस एज वेल. मेरे बहुत सारे को एक्टर्स साथ में मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया. व्हेन आई वर्कड विद जाहिद, और आज ही मैं देख रही थी सब शेयर कर रहे थे 2 साल हो गए उस ड्रामे को. अच्छा. तो वो उन्होंने मुझे बहुत जाहिद ने किया. अच्छा. जाहिद इज एन अमेजिंग एक्टर. सब तारीफ करते हैं जाहिद की. उन्होंने बड़ा सिखाया भी. प्लस माय डायरेक्टर्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव, ताबिश भाई बीइंग वन ऑफ देम ऑफ कोर्स. सो क्या बड़ा अच्छा भी रहा और कुछ रफ टाइम्स भी थे बट आई लेकिन बंदा सीखता रहता. अच्छा नवल, घर में कैसी है, पर्सनल लाइफ में सुगढ़ है, काम वाम करती है या भाई मैं तो बाहर जा रही हूँ तो मुझे खाना पकाना नहीं आता, इस तरह से है या क्या है? खाना पकाने का रिस्क मैं लेती भी नहीं ज्यादा. कभी whenever I cook, I don't cook bad, but I can make like white sauce pasta and cheese omelette. अंग्रेजों वाले खाने बना लेते हैं. आलू कतलियाँ भी बना लेते हैं. लेकिन ये बिरयानी और कोरमे टाइप की चीजें मुझे नहीं आती. और शादी के बाद अगर करना पड़ा तो I can learn. Depend करता है. और शादी का कोई प्लान है नवल का या अभी कि भाई देखेंगे बाद में? अभी तो नहीं. नहीं है अभी प्लान. मैंने जब भी सोचा है ना तो मैं कुछ नहीं हुआ. तो मैं सोचती हूँ कि नहीं अभी जो होना होगा हो करना और स्टॉप लुकिंग फॉर इट. होना होगा सही वक्त पे. और पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स बोलते रहते हैं जैसे पाकिस्तानी पेरेंट्स होते हैं या मैं नहीं जब करनी होगी? आई थिंक माय फादर इज वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ही सेज दैट दिस इज योर टाइम टू मेक अ नेम, to work and you have to be independent. क्या बात है यार? Financially independent Zabardust. also, ताकि you can take a step or you can, you know, you can do something of your own. नहीं नहीं, that's amazing. Proud of your father. I think हर किसी का ऐसा बाप होना चाहिए भाई जो अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा support system. और नवाल के बहन भाई कितने? मेरा बस एक छोटा भाई. अच्छा, एक छोटा भाई है. अच्छा, okay. And how do you support your brother? बड़ी बहन का होना ना बड़ा एक लोग कहते हैं भाई अगर पहली बेटी है या बड़ी बहन है तो बड़ा फायदा होता है भाई को भी, वो हम्बल रहता है, उसको तरीका होता है. तो क्या सिखाती हो भाई को चीजें?
मुझे तो बिकॉज ही वाज आई वाज 9 इयर्स ओल्डर देन हिम तो मुझे तो हमेशा से लगता था दैट आई एम योर मदर. मैं अभी भी उसको बोलती हूं मिकी आई एम योर मदर. जैसे हम सेम स्कूल में पढ़ते थे तो कभी उसकी कोई कंप्लेन आए उसकी टीचर कुछ बोले तो आई वुड लिटरली गो एंड क्राई एंड फाइट टू पीपल के भाई डोंट डू दैट टू हिम. आई फेल्ट लाइक अच्छा आई वाज हिज मदर. पजेसिव थी भाई के बारे में. हां और लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई आप जो करना है करो एंड आई वुड फाइट फॉर यू. इट वाज जस्ट दैट व्हेन आई थॉट ही वाज बीइंग रॉन्गड या उसके साथ कुछ गलत हुआ तो मैं अच्छा मैं बहुत दिल दुखता था. okay. और मैं मामा को भी ये कहती थी कि आई डोंट नो व्हाई आई फील लाइक ही इज माय चाइल्ड. नहीं नहीं ऐसा जब ज्यादा हो आपका गैप हो बहन भाइयों में तो वो एक माँ वाली फीलिंग बहन को आ जाती है कि भाई मैंने संभालना है. बल्कि जैसे मेरे हस्बैंड है उनकी बहन उनसे छोटी है बट वो कहती है मैं हमेशा भाईजन से बड़ी बड़ी फील होती थी क्योंकि मैंने संभाला है हमेशा. तो ये बहनों का एक मुझे लगता है माँ वाला अंदर से रूप निकला.